व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों को एक और न्यू वीडियो में। गाइस, यहाँ पे ये वाला वीडियो बनाने का मेरा इकलौता रीज़न ये था कि भाई ना नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये जो OTT प्लेटफॉर्म वाले हैं, ये हो सकता है रियलमी वाले के पीछे पड़े हैं या रियलमी वाले OTT प्लेटफॉर्म के पीछे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि भाई रियलमी UI 2.0 आने के बाद ही ना ये जो नेटफ्लिक्स वाला इशू, अमेजोन प्राइम वाला इशू अटक रहा है, खोल ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, ये वाला इशू आया। ऐसा नहीं है। कुछ कुछ केसेस में रियलमी एंड्रॉयड 11 पे भी आया है, कुछ कुछ केस में एंड्रॉयड 10 पे भी आया है, कुछ कुछ केस में अली एक्सेस में आया है, कुछ कुछ केस में स्टेबल में आया है। रियलमी X50 प्रो में स्टेबल में ये नेटफ्लिक्स का इशू आया था। आज जो बेसिकली बात है वो रियलमी 8 में है। रियलमी 8 एक न्यूली रिलीज डिवाइस है रियलमी की तरफ से, जहाँ पे एंड्रॉयड 11 दिया गया है रियलमी UI 2.0 के साथ। उस डिवाइस में अमेजोन प्राइम अगर नेटफ्लिक्स आप अभी खोलते हो तो वो स्टक हो रहा है, रुक रहे हैं, अटक रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये पूरी की पूरी रियलमी के जितनी सारी डिवाइसेस है, मल्टीपल डिवाइस में ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब अभी जो कि है रियलमी वालों, जो रियलमी यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति नेटफ्लिक्स का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके बैठा है तो उसका भाई कट गया। सिंपल बात है, कट गया, होगा कुछ नहीं कर सकते। रियलमी X2 यूज़र में जो लोग ऐसे ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके बैठे उनका भी कट गया, मंथली सब्सक्रिप्शन भी कट गया। मतलब क्या, हम से कुछ नहीं कर सकते आप। अब ये वीडियो बनाने का मेरा इकलौता मोटिव यह है, रियलमी X2 इकलौता ऐसा डिवाइस नहीं है कि जहाँ पे जो नेटफ्लिक्स वाला इशू हो रहा है। अब रियलमी X2 में जो इशू हो रहा है वो है भाई, रियलमी X2 में नेटफ्लिक्स कॉम्पेटेबल नहीं हो रहा है। बाकी डिवाइस में भी, रियलमी 6 प्रो में, रियलमी 6 में ऐसा हुआ था जहाँ पे अर्ली एक्सेस के अंदर जहाँ पे नेटफ्लिक्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो डाउनलोड तो हो रहा था, गूगल प्ले स्टोर में आ तो रहा था, पर दिखा रहा था कि ये कॉम्फर्टेबल नहीं है आपके डिवाइस के लिए। पर रियलमी X2 में तो आ ही नहीं रहा है। जहाँ तक बात है रियलमी 7 प्रो में, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही इशू हुआ था, नेटफ्लिक्स ओपन हो रहा था डाउनलोड करने के बाद। और 8 में तो भाई नेटफ्लिक्स सब हो रहा है, अब दिखा रहा है आपको कंटेंट। अब जब भी कंटेंट में क्लिक कर रहे हो ना, तब भाई वो वीडियो प्लेयर ना स्टार्ट हो नहीं रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो ये जो इशू है भाई, एक रियलमी का ना खुद का सॉफ्टवेयर का इशू है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब पूरा ही सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, रियलमी का सॉफ्टवेयर पार्ट का कुछ इशू है, रियलमी जल्द से इसको फिक्स कर देगा। अब ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि भाई आप लोगों को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। अगर आप लोगों के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक हम रियलमी X2 यूज़र सारे के सारे X2 यूज़र का ही ये दिक्कत आ रहा है, सारे के सारे में नहीं हो रहा है, नेटफ्लिक्स इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, हम देख भी नहीं सकते, तो यही सब्सक्रिप्शन वालों की तो यही काम से भाई, क्या ही बता सकते हैं। आप लोग एक काम करो, तीन लोग हैं रियलमी X2 में, सारे के सारे लोग ना रियलमी कम्युनिटी में बग फीडबैक वाले ऑप्शन में जाओ और जाके लिखो भाई नेटफ्लिक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनको ट्विटर में DM करो, इंस्टाग्राम में टैग करो, जो भी करो, काम नहीं होने वाला, उतनी ज़्यादा काम नहीं होने वाला। मेजॉरिटी ऑफ इशूज़ जो लोग देखते हैं, रियलमी वाले देखते हैं, वो होता है भाई फीडबैक के। अब फीडबैक से जितनी ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच पाओगे, रियलमी तक पहुंच पाओगे, उतनी ज़्यादा फिक्स होने का चांस है। तो जितनी हो सके फीडबैक में ना भरते जाओ, जो आपको मन में दिख रहा है, कहीं हीटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, भरते जाओ। और सारे के सारे लोग भाई एक फोकस डाल के ना एकदम नेटफ्लिक्स पे चढ़ जाओ कि भाई नेटफ्लिक्स नहीं मिल रहा है X2 में, तो क्या करें हम लोग, बताओ। 17,000 का फ़ोन खरीद के अगर नेटफ्लिक्स नहीं देखेंगे तो क्या ही होगा। तो अभी ये जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को बताओ, ताकि वो लोग एक फिक्स कर सके। ओपन बेटा में भी फिक्स नहीं हुआ, आप लोगों को बताया ना लास्ट वाला वीडियो आपने देख के आया, ओपन बेटा है ये, तो ओपन बेटा में फिक्स नहीं हुआ तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, यही बता दिया कि भाई बग रिपोर्ट में जाके फीडबैक तो अपना स्ट्रांगली लिखो, एकदम बड़ा बड़ा इतना टाइप का करके लिखो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या जानना चाहते हो, क्या होना चाहता है, सब बोल दो, ताकि वो लोग इस बारे में काम तो कर सके। उन लोगों के दिमाग में आया कि रियलमी X2 वाले नेटफ्लिक्स ही नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये अपडेट के बाद भी वो फिक्स नहीं हुआ। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये काम करो और मुझे इंस्टाग्राम में बताओ और कोई मतलब बग्स है या नहीं है उसके बारे में, ताकि मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट वगैरह कर सकूँ। गुड बाय।